Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss about the refractive error. The main heads we are going to talk about in this video is the introduction and types of refractive error. Guys, if you haven't subscribed my channel yet, subscribe it now and get the latest upload on time. Refractive error. Refractive error means the shape of eye does not bend light correctly, resulting in a blurred image. सपोज आई के शेप में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से लाइट प्रॉपरली रेटिना पर फोकस नहीं हो पा रही, तो यही रिफ्रैक्टिव एरर कहलाएगा। ऑल्सो नोन एज रिफ्रैक्शन एरर इज़ अ प्रॉब्लम विथ फोकसिंग ऑफ लाइट ऑन रेटिना। तो जैसा कि हम डायग्राम से समझ सकते हैं, फर्स्ट वाली इमेज में जो एक्सिल लेंथ है वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से लाइट प्रॉपरली रेटिना पर फोकस नहीं हो पा रही, उसके आगे ही फोकस हो जा रही है, तो इस केस में ब्लर इमेज बनेगी। सिमिलरली दूसरी इमेज में हमारी एक्सिल लेंथ नॉर्मल से कम हो गई है, तो इसकी वजह से जो फोकसिंग लाइट है वो रेटिना के पीछे फोकस हो रही है, तो इस केस में भी इमेज ब्लर बनेगी। कोई भी ऐसी शेप चेंजेस इन आर आई जिसकी वजह से लाइट फोकस रेटिना पर नहीं हो रही, उसके बजाय उसके आगे या पीछे फोकस हो रही है, तो यही रिफ्रैक्टिव एरर कहलाएगा। तो जान लेते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ब्लरी विजन, डबल विजन, हेडेक एंड आई स्ट्रेन। विजन ब्लर हो जाएगा, चीज़ें साफ नहीं दिखाई देंगी, एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज दिखाई दे सकती है, हेडेक होगा और आँखों पर दबाव पड़ेगा ज़्यादा। कॉम्प्लिकेशन, ब्लाइंडनेस एंड मायोपिया। नेक्स्ट इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। आईबॉल लेंथ, अगर आईबॉल की लेंथ मतलब कि एक्सिल लेंथ नॉर्मल से ज़्यादा हो जा रही है या नॉर्मल से कम हो जा रही है, तो लाइट प्रॉपरली रेटिना पर फोकस नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव एरर हो जाएगा। सेकंड, प्रॉब्लम्स विद कॉर्निया शेप। कॉर्निया के शेप में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी लाइट को प्रॉपरली रेटिना पर फोकस नहीं करा पाएंगे, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है। एजिंग ऑफ द लेंस, लेंस की एजिंग से क्या होगा, अकोमोडेशन प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से भी हमारा लेंस लाइट को प्रॉपरली अकोमोडेट नहीं करा पाएगा, इसकी वजह से भी इमेज ब्लर बनेगी। तो ये तीन कॉजेज़ हो गए हमारे रिफ्रैक्टिव एरर के। नेक्स्ट इज़ डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, कि हमें रिफ्रैक्टिव एरर के पेशेंट को एवेल्युएट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्शन, देन फिजिकल एग्जामिनेशन, स्नेलन चार्ट, ऑप्थाल्मोस्कोपी, रेटिनोस्कोपी एंड ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री। सबसे पहले हम पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे कि उसे ये रिफ्रैक्टिव एरर कब से है, प्रोग्रेसिव है या ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन हो रहा है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन करेंगे, स्नेलन चार्ट के थ्रू रीड कराएंगे, ऑप्थाल्मोस्कोपी, रेटिनोस्कोपी एंड एआर। ये सारे हमारे आ गए डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम आई ग्लासेस दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। कॉन्केव देना है कि कॉन्वेक्स देना है, वो रिफ्रैक्टिव एरर के टाइप पर डिपेंड करेगा। कॉन्टैक्ट लेंस भी सिमिलरली हम रिफ्रैक्टिव एरर के टाइप के हिसाब से देंगे, देन रिफ्रैक्टिव सर्जरी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मैटिज्म, प्रेसबायोपिया एंड एनिसोमेट्रोपिया। तो आइए जान लेते हैं ईमेट्रोपिया क्या होता है। ईमेट्रोपिया, ऑप्टिकली नॉर्मल आई, कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड एट द सेंसिटिव लेयर ऑफ रेटिना विद अकोमोडेशन बींग एट रेस्ट। ईमेट्रोपिया होती है हमारी नॉर्मल आई, जिसमें कि इन्फिनिटी से आती हुई पैरेलल लाइट रेज हमारी रेटिना पर प्रॉपरली फोकस होती हैं, जिसकी वजह से क्लियर इमेज बनती है। सो यू कैन सी इन द डायग्राम, जो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही हैं वो प्रॉपरली रेटिना पर फोकस हो रही हैं, जिसकी वजह से क्लियर इमेज बन रही है, तो ये हमारी हो जाएगी ईमेट्रोपिक आई। नेक्स्ट इज एमेट्रोपिया। द रिफ्रैक्टिव पावर एंड द लेंथ ऑफ द ग्लोब आर नॉट कोरिलेटेड, सो दैट द पैरेलल लाइट रेज रिफ्रैक्टेड बाय ऑक्यूलर रिफ्रैक्टिव सिस्टम डू नॉट कम टू फोकस ऑन रेटिना। इसमें क्या होगा कि इन्फिनिटी से आती हुई पैरेलल लाइट रेज हमारी रेटिना पर फोकस होने के बजाय या तो उसके आगे या तो उसके बाद में फोकस होंगी, तो ये हो गया हमारा एमेट्रोपिया। ये ईमेट्रोपिया के ऑपोजिट है। इंक्लूड्स हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड एस्टिग्मैटिज्म। तो जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं, पहली इमेज में लाइट प्रॉपरली रेटिना पर फोकस हो रही है, तो ये हो गया हमारा ईमेट्रोपिया। बाकी दो इमेजेस में, बी और सी में, लाइट रेटिना पर फोकस नहीं हो रही, तो ये हो गया एमेट्रोपिक आई। स्टार्टिंग विद द टाइप वन, दैट इज़ मायोपिया, ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस, इज अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इन विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना व्हेन अकोमोडेशन इज एट रेस्ट। लाइक यू कैन सी इन द इमेज, पहले फिगर में हमारी
पैरेलल लाइट रेज रेटिना पर प्रॉपरली फोकस हो रही हैं, जिसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो क्लियर होगी और ये नॉर्मल विजन होगा। दूसरे फिगर में इन्फिनिटी से आती हुई पैरेलल लाइट रेज रेटिना पर फोकस होने के बजाय उससे पहले ही फोकस हो जा रही हैं, जिसकी वजह से इमेज ब्लर होगी और यही केस मायोपिया कहलाएगा। मायोपिया के करेक्शन के लिए हम कॉनकेव लेंस प्रोवाइड करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्टिकल्स और इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। सेकेंड ऑप्शन करेक्शन का होगा सर्जरी। इस इमेज में फर्स्ट फिगर है हमारा मायोपिया का, जिसमें कि लाइट रेस रेटिना से पहले ही फोकस हो जा रही हैं। इसको करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज़ कर रहे हैं, जो कि लाइट रेस को डाइवर्ज कर दे रहा है और प्रॉपरली लाइट रेटिना पर फोकस हो रही हैं। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया, also known as long sightedness, is the refractive state of the eye wherein parallel rays of light coming from infinity are focused behind the retina with accommodation being at rest. Hypermetropia ko long sightedness bhi bolte hain. Isme light rays retina ke piche jaakar focus hoti hain, jiski wajah se image blur hoti hai. क्लियर इमेज बनने के लिए हमारी रेस को रेटिना पर फोकस होना पड़ेगा, जो कि डॉटेड लाइन से शो किया गया है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया के केस में ये रेटिना के पीछे जाकर फोकस होंगी, जिसकी वजह से इमेज ब्लर बनेगी। हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि रेस थोड़ा कन्वर्ज होकर प्रॉपरली रेटिना पर फोकस करती हैं और क्लियर इमेज बनती है। नेक्स्ट आता है एस्टिगमैटिज्म। Astigmatism is a type of refractive error wherein the refraction varies in different meridia of the eye. Consequently, the ray of light cannot converge to a point focus but form focal lines. Like you can see in this diagram, second figure में देखिए, light rays के एक से ज़्यादा focal point बन रहे हैं, एक retina के आगे, एक retina के पीछे। तो multiple focal points जब बनते हैं, light rays कहीं एक जगह focus नहीं होती, उसके बजाय दो या तीन जगह focus होती है, तो उसकी वजह से भी image blur बनती है और यही case होता है astigmatism का। एस्टिगमैटिज्म का करेक्शन हम सिलेंड्रिकल लेंसेज से करते हैं एंड एज पर नीड स्फेरोसिलेंड्रिकल लेंस भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है प्रेस्बायोपिया, ऑल्सो नोन एज शॉर्ट आर्म सिंड्रोम, एन आई इन विच द नेचुरल लेंस कैन नो लॉन्गर अकोमोडेट। विद एजिंग अकोमोडेटिव फंक्शन डिक्रीजेज ग्रेजुअली एट अबाउट 40 to 45 ईयर्स ऑफ एज। डिफिकल्टी टेक्स प्लेस इन नियर वर्क और रीडिंग। प्रेस्बायोपिया के केस में आँखों का जो नेचुरल लेंस होता है वो धीरे धीरे अकोमोडेशन पावर को लूज़ करता जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान जब 40 या 45 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसका अकोमोडेशन पावर इतना रिड्यूस हो जाता है कि उसे पास का काम करने में दिक्कत होने लगती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि लाइट प्रॉपरली रेटिना पर फोकस नहीं हो पा रही है, ये इस वजह से होता है क्योंकि लेंस की अकोमोडेटिव पावर बहुत रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को नियर वर्क करने में दिक्कत होती है, रीडिंग राइटिंग और पास के काम करने में दिक्कत होती है। इसके करेक्शन के लिए हम बायफोकल लेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डिस्टेंस और नियर दोनों के लेंसेज प्रेजेंट होते हैं। एनिसोमेट्रोपिया, एनिसोमेट्रोपिया इज़ अ कंडीशन इन विच द टू आईज हैव अनइक्वल रिफ्रैक्टिव पावर। एनिसोमेट्रोपिया की कंडीशन में एक ही इंसान की दो अलग अलग आंखों की अलग अलग रिफ्रैक्टिव पावर होती हैं। इसके करेक्शन के लिए हम आइदर स्पेक्टिकल्स दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस दे सकते हैं, इंट्राक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन करा सकते हैं या फिर सर्जरी। Guys, if you have any doubt regarding this topic, let me know in the comment section and please like the video and subscribe to my channel.